नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की मूर्ति वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में लगाई जाएगी। इसका अनावरण 1 नवंबर को होगा। वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन चल रहा है और वानखेड़े में उन स्टेडियम में से है जहाँ टूर्नामेंट के मुकाबले खेले जा रहे हैं। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले सचिन तेंदुलकर वानखेड़े स्टेडियम भी पहुंचे थे। अहमदनगर के चित्रकार मूर्तिकार प्रमोद कांबले क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा पर काम कर रहे हैं। यह प्रतिमा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा वानखेड़े स्टेडियम में तेंदुलकर को श्रद्धांजलि के रूप में स्थापित की जाएगी, जो इस साल की शुरुआत में 50 वर्ष के हो जाएंगे। इसका अनावरण 1 नवंबर को किया जाएगा। ANI से बात करते हुए मूर्तिकार प्रमोद कांबले ने कहा, NCA ने कहा था कि प्रतिमा उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में वानखेड़े स्टेडियम स्थापित की जाएगी। इसकी घोषणा के अगले दिन मुझे बताया गया था कि इस पर काम करें। फिर मैंने सचिन तेंदुलकर से संपर्क किया और उनसे मुलाकात की। हमने इस बारे में चर्चा की कि प्रतिमा कैसी बनाई जानी चाहिए। हमने उस मुद्रा को अंतिम रूप दिया जहाँ वह छक्का मार रहे हैं। हमने पहले एक लघु मॉडल बनाया और फिर देखा, हमने 14 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई। वर्ल्ड मानचित्र और क्रिकेट गेंद के ग्राफिक संयोजन के साथ हमने एक ग्लोब बनाया और इसके शीर्ष पर सचिन तेंदुलकर के प्रतीकात्मक रूप से चित्रित किया गया। 50 साल के सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर शानदार रहा है। वह इस खेल का नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं। भारत ने 2011 में वानखेड़े में वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला जीता था। सचिन उस टीम का हिस्सा थे। सचिन ने 200 टेस्ट और 463 वनडे मैच खेले हैं। इनमें उन्होंने 1,05,921 और 1,08,426 रन बनाए। सचिन ने दोनों फॉर्मेट में 100 शतक, 21 टेस्ट और 49 वनडे शतक लगाए हैं और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के आसपास भी कोई नहीं है। और भी स्पोर्ट्स जुड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।